वेलकम टू माय चैनल मेकिंग होम्स। आज मैं आपको पिज़्ज़ा पॉकेट्स बनाना सिखाऊंगी, जो बच्चों का फेवरेट आइटम रहता है फास्ट फूड में, और जिसे मैं मैदा के बिना बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए अभी हम लोग इसका इंग्रेडिएंट्स चेक करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, किसी हुई गाजर, बॉइल्ड कॉर्न, बारीक कटा हुआ टमाटर और पिज़्ज़ा सॉस, टोमेटो सॉस और मोज़रेला चीज़, बारीक रवा 1 कप। पहले हम लोग बारीक रवा या फाइन सूजी जो रहता है वो 1 कप लेंगे और उसमें धीरे धीरे पानी डालते हुए हम लोग उसको आटा जैसा गूंथते हैं वैसा गूंथते जाएंगे। याद रखिए ये थोड़ा पतला गूंदना है, क्योंकि जो रवा है वो पानी सोख लेता है और इसको हमें 2 घंटे के लिए या 2 से 2.5 घंटे के लिए हमें रेस्ट देना पड़ेगा, तो ही ये इसमें से हम लोग रोटी बेल पाएंगे। हम लोग आटा गूंदेंगे और इसको हम लोग 2 घंटे के लिए एक साइड में रख देंगे। अभी चलिए अभी हम लोग पिज़्ज़ा पॉकेट्स का जो स्टफिंग है वो हम लोग बनाएंगे। मैंने एक कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डाला है, जिसमें मैं अभी हमारे इंग्रेडिएंट्स को एक एक करते डालते जाऊंगी। अभी ये तेल गर्म हो चुका है, इसमें मैं बारीक कटा हुआ प्याज डालूंगी और थोड़ा सा इसको भूनूंगी। थोड़ा सा प्याज का कच्चापन जाने के बाद हम लोग इसमें शिमला मिर्च डालेंगे और इन दोनों को हमें अच्छे से भूनना है, क्योंकि बाकी सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो जल्दी से हो जाते हैं, लेकिन ऑनियन और शिमला मिर्च को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, तो हम लोग इसको अच्छे से सॉटे करना पड़ेगा। अभी ये बन चुका है तो मैं अभी इसमें डालूंगी कॉर्न जो ऑलरेडी बॉइल्ड है, या आप बाज़ार से बॉइल्ड कॉर्न भी मिलते हैं वो भी आप डाल सकते हो। अभी मैंने ये कॉर्न डाला है और ये ऑलरेडी बॉइल्ड है, फिर भी हमें थोड़ा सा तेल में इसको सॉटे कर लेते हैं। इसको बहुत ही कम तेल लगता है। अभी मैंने गाजर डाल रही हूँ। एक्चुअली गाजर पिज़्ज़ा में यूज़ नहीं होता है, फिर भी मेरे फ्लेवर के लिए मैं ये गाजर डाल रही हूँ। और मैं गाजर को घिसा हुआ लिया है, क्योंकि गाजर को भी टाइम लगता है सॉटे होने में या पकने में, इसीलिए मैं इसको घिस लिया है। आप चाहे तो बारीक काट सकते हैं। और अभी लास्ट में हम लोग डालेंगे टमाटर। टमाटर को ज़्यादा टाइम ही नहीं लगता है, इसलिए 1-2 मिनट इसको सारे इंग्रेडिएंट्स को हम लोग चला लेंगे। अभी हम लोग इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, 1/2 चम्मच तक फ्लेवर के लिए हम लोग इसमें नमक डालेंगे। अभी ये नमक डालने के बाद इसको अच्छे से एक बार चला लेंगे। अभी हम लोग इसको एक बाउल में निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए हम लोग साइड में रख देंगे। अब हमारा स्टफिंग ठंडा हो चुका है, इसमें हम लोग हमारा टोमेटो सॉस, पिज़्ज़ा सॉस और ओरिगेनो पाउडर और चिली फ्लेक्स जो पिज़्ज़ा में यूज़ होते हैं वो सारे इंग्रेडिएंट्स हम लोग डालेंगे और इसको अच्छे से एक बार मिला लेंगे। अभी हम लोग हमारा डो तैयार है, 2 घंटा हो चुका है। अभी हम लोग उसको एक गोल रोटी बनाएंगे। अभी आप देख सकते हो ये मैदे जैसा लगता है, लेकिन ये बिल्कुल ही मैदा नहीं है, ये रवा ही है। और इसको सूखा आटा भी मैंने उसमें चावल का लिया है ताकि ये स्लिप हो सके, और मैंने बिल्कुल भी मैदे का
यूज़ नहीं किया है। आप देख सकते हो इतना जड़ा हमें रखना पड़ेगा। और ऐसा कोई स्क्वायर बाउल है आपके पास तो आप उसमें शेप दे सकते हो, नहीं तो आप चाकू से भी काट सकते हो स्क्वायर शेप में। अभी ये स्क्वायर शेप में बन गया है तो हम लोग इसके अंदर डालेंगे हमारा वेजिटेबल स्टफिंग और हमारा मोज़रेला चीज़। इसको अच्छे से बीच में लेना पड़ेगा वरना ये फटने का डर रहता है। इसको हम लोग फोल्ड करेंगे अभी, दोनों साइड से हम लोग ऐसे एक दूसरे के ऊपर हम लोग ऐसा फोल्ड करेंगे ताकि जो अंदर का मसाला है वो बाहर ना आए, और हम लोग बाजू में ऐसा दबा देंगे। अभी हम लोगों को एक फोर्क चाहिए जिससे हम लोग अच्छे से उसको दबाएंगे और फिर एक अच्छा सा एक लुक भी आएगा साइड में भी। हमें एक दूसरे के ऊपर जहाँ पे परत आया है वहाँ पे भी हम लोगों को दबाना पड़ेगा, और ये साइड में हम लोग पलट के उसको इधर भी हम लोग दबाएंगे। इसको अभी हम लोग एक गरम तेल में तल देंगे। दोनों साइड में अच्छे से तलना चाहिए, अच्छे से गोल्डन ब्राउन होना चाहिए। ये रवा है इसलिए बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनती है। तो आप ये देख सकते हो कि दोनों साइड में अच्छे से गोल्डन हो चुका है। तो ये बन के तैयार है हमारा पिज़्ज़ा पॉकेट। अभी मैं आपको काट के भी दिखा रही हूँ। देखिए मोज़रेला चीज़ कितना अच्छे से दिख रहा है, और ये इवनिंग स्नैक्स के लिए, बर्थडे पार्टीज़ के लिए बहुत ही अच्छा एक मेन्यू है। अगर आपको मेरा ये रेसिपी पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल मेकिंग होम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।